गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको एक साल के बच्चे का नाइट सूट बनाना सिखाएंगे बचे हुए कपड़े में से। तो सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तीरे का निशान लगाएंगे 4.25 पे, 4.25, देन 4.5 पे निशान लगाएंगे, 4.5 पे। फिर चेस्ट लेंगे 11.5, 11.5 लेंथ लेंगे, 15 लेंथ रेडी है हमारी, 13 वेस्ट लेंगे, 16 सिक्स सॉरी निशान को आपस में मिला देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे, आर्म होल की शेप दे देंगे। अब हम फ्रंट के लिए कपड़ा बिछाएंगे, फिर फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, देखिए इस तरीके से हमने बिछा लिया। और ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन, अंदर की साइड फोल्ड होएगा, फ्रंट ओपन बनना है, वो आपको बनाते टाइम पता लग जाएगा। शेप में फ्रंट देता नहीं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से अब बैक के पल्ले को उठा देंगे और हल्की सी शेप दे देंगे। कटिंग हो गई है, हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स हमारी है 10 रेडी, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। पाँच इंच पे निशान लगा के ये मार्जिन है हमारा। अभी यहाँ से भी 4.5 पे निशान लगाएंगे, इस निशान को आपस में मिलाएंगे। इसकी कटिंग करेंगे। स्लीव्स पे भी हमने डिज़ाइन देना है, इसलिए फ्रंट रखा है। ये देखिए इस तरीके से कटिंग हो गई है। अब हम आगे आपको पजामे की कटिंग करके बताएंगे। एक इंच ऊपर इलास्टिक का मार्जिन लेके 8 इंच पे निशान लगाएंगे। डेढ़ इंच अंदर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे।
तो गाइस सबसे पहले हम कॉलर की कटिंग करेंगे नेक की। तो उसके लिए हमने ये कपड़ा बिछाया है कपड़े के ऊपर। ये पट्टी ली है करीबन 2.5 इंच चौड़ी। अब यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.75 पे लगाएंगे, फिर 3 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर अगेन बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से कटिंग कर देंगे। अब इस पे पेपर पेस्टिंग चिपकाएंगे। इस तरीके से कटिंग करेंगे। सीधे लो अब इसको कपड़े के साथ जोड़ेंगे। तो गाइस यहाँ से अब हम हल्का सा कर्व देंगे। इस तरीके से एक इंच का निशान लगा लेंगे दोनों साइड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रंट साइड से पट्टी लगाना शुरू करेंगे। ये लेस हमने इसमें लगानी है। इस तरीके से हम अंडरग्राउंड लेस लगाएंगे। ये देखिए इसी तरह तरीके से ये हमारी पर लेस लग गई है। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे पहले, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं।
तो गाइस ये देखिए हमने दोनों साइड पे पाई अपनी लेस लगा ली है। अब इसके तीरे को बैक के तीरे के साथ जोड़ेंगे, फिर आगे आयरन करेंगे हमने जो पाइपिंग लेस को लगाया है उसको। अब इनको आयरन करके बिठा लेंगे एक बार। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको आयरन कर लिया है। अब हम इसका कॉलर कटिंग करेंगे। ये जो हमने यहाँ पे निशान लगाए थे वहाँ पे एक बार ही निशान लगाएंगे और बैक को थोड़ा सा कटिंग करेंगे। तरीके से अब कॉलर को नाप लेंगे। एट एंड अ हाफ ये कॉलर लगेगा, तो पहले कॉलर की कटिंग करते हैं। कपड़े पे पहले पेस्टिंग को प्रेस चिपकाएंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। तीन इंच चौड़ा है ये। डबल फोल्ड कर लेंगे। सवा चार इंच पे निशान लगाएंगे। 8.5 इंच कॉलर था हमारा। इस तरीके से इस तरीके से कर देंगे। ये देखिए ये कॉलर कटिंग हो गया। अब इसको आगे तैयार करते हैं। इस तरीके से लेस आएगी हमारी।
तरीके से हमने अब कॉलर को सीधा करेंगे। अब इसको अटैच करेंगे कपड़े पे। इस तरीके से नेक के अंदर दे देंगे। तरीके से सारे कॉलर को अटैच कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा कॉलर आएगा, तो वो फिनिशिंग करके हम आपको अच्छे से दिखा देंगे। तो अभी पहले इसकी स्लीव्स रेडी करते हैं। स्लीव में हमने ये लेस देनी है। तो गाइस हम पहले आपको एक स्लीव बना के दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा कर्व देंगे हम। Thank you.
इस तरीके से स्लीव आएगी। इस तरीके से लेस लगाएंगे। इसको अंदर के साइड मोड़ के टॉप सिंग लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से जोड़ देंगे, ये स्लीव का डिज़ाइन आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी बाजू जोड़ लेंगे। गाइस ये हमारी दोनों की दोनों स्लीव्स रेडी हैं। अब हम आपको शर्ट पे लगा के दिखाएंगे। पहले एक स्लीव को सेंटर से लेस का सेंटर मिलाएंगे। इस तरीके से जोड़ेंगे। इस तरीके से बाजू को लगाएंगे। इसी तरीके से पहले हम दूसरी बाजू को भी जोड़ लेंगे, फिर हम आगे आपको सिल के दिखाएंगे। तो गाइस ये अब हमने दोनों की दोनों बाजू जोड़ ली हैं। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमारी चेस्ट थी 11:15 पता नहीं 11:30। नीचे से भी इतना ही 11:30।
अब बाजू पे निशान लगाएंगे 3 inches. अब इनको इसमें मिला देंगे. अब सिलाई लगाएंगे. इस तरीके से दूसरी तरफ सिलाई लगा लेंगे. अब नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे. से ये तैयार हो गया है. प्रेस करके सेट कर लेंगे. देखिए अब यहाँ पे बटन लगाएंगे और फिनिशिंग करेंगे. तो गाइज अब हम सबसे पहले पजामे की स्टिचिंग करेंगे. सॉरी अब हम पजामे की स्टिचिंग करेंगे. तो सबसे पहले आसन की सिलाई लगाएंगे. ये पट्टी हम प्लास्टिक के लिए लगा रहे हैं. कपड़ा हमारे पास थोड़ा था इसलिए हमने कपड़े में जोड़ दिए हैं. जैसे कि हमने आपको बताया कि बचे हुए कपड़े में से हमने ये बनाना है. मालिक पुट्ठा बोलता हूं ना उन्होंने कुछ समय लिखो. हाँ देखिए इस तरीके से टिको जोड़ देंगे.
अब इसके नीचे लेस लगाएंगे हम। दोनों पोंचो के लिए हमने लेस की कटिंग कर ली है। सीधी साइड से लेस लगाएंगे। इस तरह से दूसरे पे लेस लगा लेंगे। तरीके से टॉप सीन लगाएंगे। आगे बढ़ने नहीं। तो गाइस ये हम सिलाई को पक्का कर देंगे। प्लास्टिक के लिए इसको फोल्ड करेंगे। अब ये हम इतना प्लास्टिक डालेंगे इसमें। इस तरीके से सिलाई लगा ली इसको पजामे में लगाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे। सिलाई लगाएंगे।
ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसके सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे। तो गाइस ये हमारा नाइट सूट रेडी हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू।